है ना, इसलिए इनका नाम ही था नारायण ही। नारायण मतलब क्या होता है? हमारे भारत में जो बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं ऐसे तैसे नहीं, वो जन्म नक्षत्र को देख करके तभी नामकरण होता है। उनका बचपन का नाम भी नारायण है, लेकिन जब मंदिर में आए ना उनका नाम भी क्या था पता है क्या? गौर नारायण। जब उनने संन्यास लिया क्या नाम था? संन्यासी का क्या नाम है? ये भी भक्तिविलास नारायण गोस्वामी। इनका जो नारायण 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 तीन बार इनका नाम नारायण शब्द है, इसलिए सचमुच से नारायण का बहुत तरह का अर्थ होता है। नर का एक मतलब होता है रस, और अयन मतलब होता है संपूर्ण रस का जो आश्रय, संपूर्ण रस का जो आश्रय थे श्री गुरुपाद ब्रह्म। इसलिए जिन लोगों ने इनकी कथा सुनी है उनको पता है वो कैसे रस में पूरा भरपूर थे। जब इनसे कोई कथा सुन लेना, इनसे जो कथा सुन ले फिर और वही कथा सुनने की हमारी इच्छा नहीं करता है, हाँ? हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, और आप लोग कल कौन बोल रहे थे जहाँ पर दूसरे दूसरे मठ के सारी गौड़ियों मठ के लोग होते हैं, लेकिन जब गुरुदेव का कोई शिष्य वहाँ हरि कथा बोलता है पूरा उनकी हरि कथा से ही पता चल जाता है इन्होंने श्री नारायण महाराज का संग किया। इनका शिष्य लोग ही ऐसे सुंदर कथा इनकी शिष्य लोग बोल सकते और कोई नहीं बोल सकते, इसलिए इनका नाम नारायण। इसलिए मैं जब छोटा जब पुरी में था मेरे मन में बड़ी इच्छा था भाई हरिकथा सीखू। मैंने एक दूसरे को पूछा भाई अभी कौन इतने बढ़िया सुंदर हरिकथा बोलते हैं? बोले एक व्यक्ति मथुरा में रहते हैं, इनका नाम नारायण महाराज है, ये बच्चों को बड़े आदर पूर्वक हरिकथा सिखाते हैं। देखो हम सारे गौड़ी मठ में गए सीखे देखे, अगर कोई एक बच्चा भगवान की कथा सीखना कोशिश करना स्लो सीखने सारे उसको टांग पकड़ कर खींचते हैं, सारे गौड़ी मठ में ये चीज है, ये हमसे आगे नहीं चले जाए। लेकिन केवल एक ही हमारी महाराज हुए हैं, हम उनको पास में जो देखा जिसको शास्त्र में अच्छा प्रवेश है, जो सुंदर हरि कथा बोलते हैं, हमारे सिद्धांत तो गौड़ी सिद्धांत तो को समझना चाहते हैं, गुरुदेव उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए गुरु जी कृपा से इतने जो भक्ता आप देखते हैं गौड़ी मठ में, दूसरे दूसरे गौड़ी मठ में एक भक्ता मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से इतने हरि कथा बोलने वाले, इनके हरि कथा से ही आपको पता चलता होगा ये कितने गहरा में प्रवेश किए, ये सब से सब गुरु जी की कृपा है। सबको खड़े कर करके इच्छा नहीं रहने पर भी मैं जब पहले मंदिर में आया एक दिन भक्तिवरण ठाकुर का तिथि आया, बोले तुम बोलो रसानंद नाम का। बोले गुरुदेव मैं नहीं बोल सकता हूँ। गुरु जी ने कहा मैं तू मेरा आदेश पालन करूंगा ना, मैं तेरा आदेश पालन करूंगा, क्यों वहां पर गुरु जी और सारे वैष्णव संन्यास साधारण व्यक्ति को सामने कथा सुनाना सहज है, और गुरु जी जो जहाँ कथा सुनते होंगे और संन्यासी बैठे हुए कितना आसानी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी अगर इधर उधर हो ना गुरु जी कभी सामंजस्य नहीं करते, चल उनको बीच में रोक लेते थे। इसलिए मेरे को जोर जबरदस्ती खड़ी कर दिए, बोले कुछ बोलो। फिर तो मैं किसी तरह से बोला, मेरे सारा शरीर से पसीना पसीना बह रहा, क्योंकि इतने भक्त मथुरा मठ में बैठे हुए थे। फिर और एक दिन तिथि आया तो बलदेव विद्याभूषण का तिथि, गुरुदेव कोई तिथि आ जाए जिन लोगों ने मथुरा में रहे पता, गुरुदेव चार चार टाइम वहां कथा, किसी गौड़ी मठ में केवल एक बार कथा होता है, लेकिन जब मैं मथुरा में आया था चार चार बार वहां पर कथा होती थी, हाँ? एक बार सवेरे में और एक बार दोपहर में पुष्पांजलि का समय में, एक बार शाम और एक बार आरती, शाम का आरती के बाद में फिर गुरुदेव सबको खड़े करते थे, तुम बोलो मेरे को बोले। आज गुरुदेव का ये विशेष चीज थी, पहले जो व्यक्ति हरि कथा बोलेगा आप उसकी पैट को टच नहीं करना, कुछ नई बात को एक ही बात को दोहराना नहीं। एक व्यक्ति मेरे से पहले उन्होंने बलदेव विद्याभूषण तिथि आई, दो तीन भक्तों को खड़े कर दिए, वो तो सब हरि कथा सबके सब बोल दिए, और कुछ बचा ही नहीं। मेरे बोले तुम बोलो, मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, तो सबके सब बोल दिए, हाँ? इतने में गुरुदेव मेरे को इतने टांट लगाए, बोले तुमने घर में धोखे दिए पिता माता का, तुमने सेवा की गुरुदेव का अपना भाई, घर में तुमने धोखे दे करके पिता माता की सेवा नहीं की, और तुम मंदिर में क्या खाने सोने के लिए यहाँ पर आए हो? गुरुदेव का पानी है, सोने के लिए यहाँ पर आए हो?
इसलिए ग्रंथ शास्त्र क्यों अध्ययन नहीं करते हो? इसलिए तो तुम लोग मंदिर में आए हो हरि कथा सीखने के लिए, प्रचार भजन करने के लिए। गुरु जी मेरे को सबको सामने ऐसे बुरी तरह से गुरुदेव ने गाल दिए, तब से ना मैं चेत गया। तब से अगर 15 दिन पहले मैं देखने लग जाता था ग्रंथों को, कौन सा तिथि, कौन सा गुरु पर्व का तिथि आ रहे हैं, पहले से ही देखने लग जाता था। अगर गुरुदेव खड़े कर दिए तो ऐसे ही गुरुदेव बोलते थे, एक केवल फूल ठाकुर के चरण में, नहीं तो गुरु जी के चरण में। तो ऐसे ही गुरुदेव सबको खड़े करते करते करके उन्होंने, तभी उन्होंने सबको उन्होंने ऐसे ऐसे हरि कथा सिखाया। इसलिए इनका नाम है नारायण, है ना, मतलब संपूर्ण रस के संपूर्ण उसी समय। इसलिए इनको हम उदाहरण देते हैं, श्री जीव गोस्वामी का उदाहरण हम गुरु जी को देते हैं। जैसे श्री जीव गोस्वामी के पास में नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास, ये तीनों ने उनको पास में शिक्षा लाभ की, लेकिन इनका कोई शिष्य नहीं थे, ये दूसरे दूसरे के शिक्षा थे, है। इसलिए गुरु जी के अंदर में एक विशेष बात है, अक्सर करके जहाँ झगड़ा होता है ना, मेरे शिष्य को लेकर के, लेकिन हम गुरुदेव के पास में हम रह करके देखा, गुरु जी के अंदर मैं तेरा बुद्धि एकदम नहीं था। जैसे जीव गोस्वामी की आदर्श हमारा गुरुदेव है, हाँ, उन्हें कभी हमको, ये सिद्धार्थ महाराज रहे, ये कहा इस भक्ति प्रमोद पूरी गोस्वामी महाराज के, मैं अपना गुरुदेव के, किसने स्वामी महाराज के, कोई गौर गोविंद महाराज के, अलग 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 जगह से सबके सब गुरु जी को पास में आए। लेकिन एक अद्भुत चीज देखा, सब गुरुदेव कहते ये मेरे चेला, और दूसरे चेले को प्रति प्यार नहीं, ये मेरे चेला। गुरु जी के अंदर में एकदम ये चीज नहीं थी, जो जितना भजन करता था उसको प्रति उसका गुरु जी की उतने स्नेह। तभी तो हम लोग गुरु जी के पास में जुड़ करके रहे, नहीं तो हम रहते कैसे गुरु जी के पास में। इसलिए कि महान साधु का जो आदर्श है, ये गुरु जी के अंदर में परिदृष्ट हुआ। और नारायण दूसरा अर्थ होता है, नर मतलब होता है ज्ञान, और आयन मतलब होता है संपूर्ण प्रेम रस ज्ञान का जो ये मूर्तिमान स्वरूप श्री गुरुदेव। हर जगह पर हमने देखा, कोई बोलेगा हम पहले, मैं बोल दूंगा ना जो सारे पैट को बोल दूंगा, हाँ, सबसे पहले जैसे गुरुदेव मेरे को खड़े करते हैं, लेकिन गुरु जी का सिर्फ एक विशेष चीज थी, गुरुदेव सबको बोलने का बाद फिर गुरुदेव हरि कथा बोलते थे। फिर गुरुदेव एकदम नए पैट, एकदम नया पैट, जिसको कोई टच नहीं, ऐसे ऐसे नए नए पैटे गुरुदेव बोलते थे, हाँ। इसलिए नारायण मतलब है, नारायण मतलब था सारा हमारा पॉइंट बोल दिया नर मतलब होता है जितने इंसान हैं, और आयन मतलब होता है सारे जीवों का जो आश्रय है। सचमुच से गुरु जी को पास में एक बार कोई आ जाए गुरु जी के पास में, और उनको पास में आ जाए, गुरुदेव सबका अपना लेते थे। आप लोग ने गुरुदेव के समय में देखे होंगे, इतने सारे सन्यासी कहां से आकर के गुरु जी की शरण में रहे, और गुरुदेव सबको अपना प्यार दे करके अपना बच्चे जैसे अब पालन पोषण करते थे। इसलिए हमारे गुरुदेव तक तो इतने वैशिष्टता है, इतने वैशिष्ट जी का हम क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग तो बड़े गौरव अनुभूति करते हैं जब ये बच्चे लोग इतना गुरु जी की इतना अच्छे अच्छे विचार बोलते हैं ना, हमको सुन कर इतना खुश हमें लगता है। कम से कम हमारे सोसाइटी में ऐसे पात्र हैं जो गुरु जी के विचार वैशिष्ट को इतने। इसलिए आप लोग भी यहाँ पर हरि कथा सुन रहे, नोटबुक सबके पास होनी चाहिए। जब गुरुदेव हरि कथा बोलते थे ना, जैसे हम वहाँ पर बाधव महाराज पर, सबके पास में नोटबुक होता था, गुरुदेव जो हरि कथा बोलते थे उसको सबके सब बैठ करके नोट करते थे। हमारे महाराज भी खुद बोलते थे, बोले उनकी जो गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जो हरि कथा बोलते थे, हमारे महाराज हरि कथा को नोट करते थे, फिर गुरु जी को पास में जाते थे, गुरुदेव खुद बोल रहे थे। ये महाराज बोलते थे मैं अपना गुरु जी को साथ में लड़ पड़ता था, क्योंकि गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के सब बड़े तीव्र बुद्धि के, हाँ, और महाराज भी बड़े तीव्र बुद्धि के थे। इसलिए कभी कभी गुरुदेव उन्हीं की बात को खंडन करते थे, वो उन्हीं की बात को खंडन करते थे, दोनों की बात को खंडन करते थे। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इतने खुश होते थे, बोलते एक दिन ये बच्चा, एक दिन बहुत बड़ा वैष्णव और बहुत बड़ा जगत, इसलिए
बंगला भाषा में तो बंगला में प्रचार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे गोस्वामी ग्रंथों का कोई जैसे जय बंधारा मधुसूदन नहीं था, इसलिए उन्होंने भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज उन्होंने हमारे महाराज को मथुरा मठ का इंचार्ज बनाए, बोले यही पर ग्रंथ प्रकाश करना और यहीं से सारे प्रचार काम को यहीं से शुरू करना। तो इसलिए हमारे जो उत्तर जो आदिवासियों के लिए हमारी महाराज की दिने देने अगर ये महापुरुष नहीं होते ना जो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप कभी हिंदी भाषी इतने कई भक्त नहीं बनते, इसलिए हिंदी भाषी इसलिए इतने हिंदी भाषी लोग इतने उपकार नहीं होते, उनको कृपा तो संपूर्ण पृथ्वी में, इसलिए महाराज की जय जयकार। बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, श्री गुरुपाद पद्म की।